असलम एवरी वन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप लोग घर में डॉल केक बनाना चाहते हैं या ऑर्डर वर्क के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कितना आपको स्पंज बनाना है और इसकी कॉस्ट क्या आएगी और इसकी प्राइस क्या होने चाहिए सब मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं तो यहाँ पे तो पहले मैं आपको सबसे पहले इसके स्पंज के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आप अच्छा बिलान केक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपको थ्री फो टू फोर पौंग का स्पंज ग्लास भी बनाना होगा मुझे कस्टमर ने टू पाउंड का केक का पहले ऑर्डर दिया था फिर बाद में उन्होंने मुझे एक पाउंड और बढ़ाने के लिए कह दिया तो पहले तो मैं टू पवन का स्पंज बना चुकी थी तो मैं पहले आपको इसकी वीडियो शेयर करूंगी और फिर मैंने इसको किस तरह से वन पाउंड का बढ़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी पहले मैं यहाँ से काउंटर को क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं टू पाउंड का स्पंज जो मैंने डॉल मोल में बनाया था उसकी रेसिपी आप लोग शेयर करूंगी तो सबसे पहले हम ड्राई ड्राइंग को छानेंगे तो चॉकलेट स्पंज बना रही हूँ मैं तो इसीलिए मैंने थ्री फोर कप फ्लार लिया है और वन फोर कप इसमें मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी अगर आपको वनीला स्पंज बनाना है तो आप टोटल एक कप फ्लार लेंगे कोको पाउडर की जगह पर वन टी इसमें बेकिंग पाउडर चाहेगा सारे ड्राई गड्स आपने एक साथ छान क्योंकि कोको पाउडर में काफ़ी ज़्यादा लम्स होते हैं और ये हमारा बेकिंग सोडा गया है इसमें भी काफ़ी लम्स होते हैं तो सब चीज़ें आपने अच्छी तरह से पहले छान लेनी है अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल बाजार जैसा बने तो कुछ चीजें होती हैं जिनको आपने लाजमी फॉलो करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेल करने के लिए बना रहे हो आप अपने घर में अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं इन केक को वो सब चाहती ही नहीं कि हम जो भी चीज़ बनाए वो बिल्कुल बाजार जैसी बने तो यहाँ मैं फ़ोर एग ले रही हूँ और एग को मैंने सेपरेट तोड़ा है ताकि कोई एक एग खराब निकले तो फिर हमारे पास चीज़ें वेस्ट ना हो अच्छा अंडे आपने सारे रूम टेम्परेचर पर लेने कोई भी चीज़ फ्रिज में नहीं रखी हुई देखें आप जिस तरह से मैंने सारी चीज़ें काउंटर में पहले से निकाल के रखी हुई होती है एक घंटा पहले आप सारी चीज़ें निकाल के रख दें ताकि आप जब काम करें तो आपको कोई चीज़ बार बार ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े तो यहाँ मैंने शुगर पाउडर है ये हाफ कप मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ है पाउडर फॉर्म में किया हुआ आप थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐड करते जाएंगे और अंडों को आपने इतना बीट करना है कि जब तक कि कम्प्लीट इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट पीक ना बन जाए अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से ये कंप्लीट फोमी होगा तो आपने बाउल को खा के देखना है नीचे इसमें सफ़ेदी बैठी हुई आपको बकायदा नजर आएगी अगर अंडे आपके अच्छे बीट नहीं हुए तो नीचे सफ़ेदी बैठी हुई होती है तो वो देखें आप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि अंडे अभी और मजीद पीट होना है ठीक तो है अंडे फोमी पीट हो गए तो मेरे आप मैं इसमें वरिंदाइसेंस एड करूँगी आप चॉकलेट आइसम्स भी ऐड कर सकते हैं बस हमें अंडों की जो खुशबू होती है स्मेल होती है ख़ास किस्म की तो वो ख़त्म करने के लिए इसे डालना होता है सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स आप उसी वक्त ऐड कर लिया करें जैसे ऑयल है अब मिल्क है ये सब चीज़ें एक साथ डाल दें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए तो ये मैं में टू टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी एक्ट्रेस स्पंज केक में मुझे यही सजी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसमें फैट ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये लो फैट होते हैं जबकि आप फर्ज केक वगैरह बनाएं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है और काफ़ी हैवी वेट भी होते हैं सीमिन किस में चला गया ये क्वार्टर कप मिल्क है ठीक है अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडियंस ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे इसीलिए पहले से छान के रखे थे जब हम अंडों की पीटिंग कर लें तो हम इसे फ़ौरन से ऐड कर दें अब इसमें भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्लावर को कभी भी ऐसे ही उठा के नहीं डालना है बल्कि आपने इसे छन्नी की मदद मतलब से छान के डालना है या फिर आप इस तरह से इसको जिस तरह से छिड़कते हैं पावर दिया इस तरह से डालेंगे ताकि ये किसी एक जगह पर जमा ना हो अगर ये किसी एक जगह बैठ गया तो उसके लम्ब्स पड़ जाएंगे और उस लम्ब्स को ख़त्म करने में आपको इतना ज़्यादा बीट करना पड़ेगा कि जितना हमने फर्म बनाया है वो सब नीचे बैठ जाएगा और मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर है इस कि पाकिस्तान का मैच आ रहा है आपको पता ही ये मैच खामोशी से कोई देख नहीं सकता इसलिए अच्छा खासा शोर है सब तरफ तो बस आप लोगों ने रेसिपी फोकस करना है तो मुझे जब कस्टमर ने टू पॉइंट का बार केक बनाने के ला तो फिर मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कितना छोटा बनेगा और इसकी जो फ्रॉक का शेप है परफेक्ट आएगा या नहीं लेकिन फिर जब उन्होंने बाद में वन पॉइंट बढ़ाने के लिए बोला तो मुझे थोड़ा सा जरा जान में जाना है कि अब डॉल केक जरा अच्छा बनेगा टू पॉन में बिल्कुल भी इसका अच्छा शेप नहीं आ पा रहा होता है लेकिन जब कस्टमर की डिमांड होती है तो वो पूरी करनी पड़ती है चाहे वो अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो मैं जो भी ऑर्डर के केक बनाती हूँ उसे अपना केक समझ के बना रही होती हूँ कि बस उसे अच्छा लगना चाहिए लेकिन हम कस्टमर को कह नहीं सकते कि भाई आप वन पॉन टू पॉन और बढ़ा लें उनकी जो डिमांड होती है वो हमें पूरी करनी होती है हालांकि के डॉल का जो डिज़ाइन था वो भी मेरी मर्ज़ी का नहीं था मेरा तो जहाँ तक मैं और इससे अच्छा डिज़ाइन दूँ बट उनकी जो डिमांड थी बस मुझे वो पूरी करनी थी और उनके ही डिज़ाइन के ऊपर मैंने सारा वर्क किया था सारा और यहाँ बात पात्र में हमारे सारे ड्राइंग नीडी अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे बहुत जेंटली आपने से कट एंड फोल्ड के तरीके से मिक्स करना है जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाएगा यह मैंने डॉल का मोल्ड लिया है इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने घी से ग्रीस किया है शॉर्टनिंग खत्म हो गई थी तो मैंने घी अप्लाई कर लिया आपके पास भी जो चीज़ अवेलेबल हो वो आप इससे अच्छी तरह हाथ से लगाएगा और बिल्कुल खुद बेफिक्र जाएगा ये मत सोचेगा कि स्पन्ज़ में से निकलने में आपको तंग करेगा ऐसा कुछ भी नहीं होता बहुत आराम से निकल आता है अगर आप इसको अच्छा सा ग्रीस करें तो यहाँ मैंने पतीली को अच्छा सा रे कर दिया था इसको मैंने दस से पंद्रह मिनट हीट किया है अब इसमें मैं मोल रखूँगी और वही सेम टाइमिंग होती है इसके बेक बेचने की भी आराम से 20 से 25 मिनट में ये स्पंज हमारा बेक हो जाता है चाहे जा आप ओवन में बेक करें या विदाउट ओवन बेक करें आपका बहुत अच्छा स्पंज बनेगा तो यहाँ मेरा ये टू पॉइंट का स्पंज रेडी हो गया था बहुत छोटा लग रहा था तो उसके बाद मैंने एक और स्पंज बेक किया इसकी स्टोरी भी मैं लंबी है थोड़ी सी टिकटॉक पर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ तो ये वन पॉइंट का स्पन्ज मैंने बना लिया था और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको डॉल का स्पंज बनाने का कंप्लीट तरीका समझा सकूँ और डेकोरेशन तो आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से आप डॉल केक को डेकोरेट करते हैं तो मुझे तो जो पिक्चर दी गई थी मैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सारा काम कर रही थी फ्लेवर वगैरह भी सब उनका अपना बताया हुआ था तो आप अपने तरीके से करिएगा जिस तरह से आपको ऑर्डर मिले या जिस तरह से आपको अपने घर में खाना हो उस तरीके से आप इसको करिएगा तो डाल केक की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है तो आपने जब भी इसका जो प्राइस सेट करने है आपने कॉस्ट निकालने के बाद ही प्राइस सेट करेगा एटलीस्ट आप ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से ज़्यादा ही इसको चार्ज करिएगा क्योंकि मुझे नहीं इतने ज़्यादा वो इसके चार्जेस मिले थे क्योंकि तो मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पर लोग महंगे केक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बाजार तो ऐसा होता है कि मैं नो प्रॉफ़िट और नो लॉस की बेस पे मैं मेरे सारे केक जा रहे होते हैं बस सिर्फ इसलिए कि कि मैं नए नए केक वगैरह डिज़ाइन करूं तो यहाँ मेरे स्ट्रॉ अंडर इंसर्ट करती थी ताकि ये अच्छे से सपोर्ट इसको मिले इसे काफ़ी दूर जाना था केक को और हमारे यहाँ सड़कों का हाल तो आप लोग जानते ही हैं इस तरह के केक ले जाते ले जाते तमाम ही हो जाते हैं तो बहरहाल तो आपने अपने एरिया के मुताबिक इसके प्राइस रखेगा अगर आप टू पोन का या थ्री पोन का स्पंज भी बनाते हैं तो कम से कम आपने ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ही लेने हैं इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि ये डॉल डॉलगेट काफ़ी एक्सपेंसिव सेल हो रहे होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग होम बेकर्स को अपनी मर्जी के प्राइस नहीं मिल रहे होते हैं तो आप इसे एजा सैम्पल केक भी बना सकते हैं मैं भी कम प्राइस में जब केक बना रही होती तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरा एक सैम्पल केक हो गया जिसपे मुझे ना तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और ना ही मुझे कोई प्रॉफिट मिल रहा है ये हमारे डॉल को भी अच्छे से कपड़े पहनाते थे आई होप आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे मैंने बड़ी मेहनत की थी इसको ड्रेस पहनाने में तो काफ़ी थोड़ा मैंने मुश्किल जैकेट वगैरह रखी थी बट हो गई थी थोड़ी मुश्किल से हुई थी देखिए तो मुझे क्रीम से नहीं इसको डेकोरेट करना था इसकी ड्रेस को मुझे करना था फॉन्डेंट से तो मैंने फॉन्डेंट इसके ऊपर अप्लाई किया था और हैप्पी बर्थडे जुनेशा भी मैंने फॉन्डेंट से ही लिखा था और अब शुरू हो गई ऐसा तो मेरी तरफ से